जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। बोले जी की जय। बोले जी की। प्रभु जी, मैं जबलपुर एमपी से बात कर रहा हूँ। हाँ जी प्रभु जी, आपका नंबर दिया गया। प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी जी जी, धन्यवाद प्रभु जी, आपने मेरा नंबर। अरे नहीं प्रभु जी, तो बाबा काम है, हम कौन होते। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। मुझे आपसे थोड़ा एक डिस्कस करना था। मैंने यूट्यूब पे अभी वीडियो देखा, तो उन्होंने वीडियो में बताया कि मतलब इस बार अगर COVID-19 के केस बढ़ रहे हैं, तो अभी श्राइन बोर्ड जैसे पिछले साल ऑनलाइन मतलब घर बैठे दर्शन करा रहे थे शंकर जी के, बाबा बर्फानी जी के। हाँ, तो क्या ये सही बात होगी क्या? ये सही बात है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आई थी, उनका कॉन्टेक्ट दिया जा रहा है और ऐसा होगा। ऐसी बहुत सारी खबरें हैं, एक्चुअली मैं इसलिए डालता हूँ अभी ना, क्योंकि अभी मेन मुद्दा ये है कि यात्रा हो जाए बस, है ना, यात्रा हो जाए। बाकी तो बाबा जी की गुफा में शीशे लग रहे हैं और मेंटेनेंस का काम चल रहा है और ये सब गुफा। हाँ, दर्शन पक्का होंगे, ये बात कन्फर्म है, ये मुझे भी मालूम है। और सही कहा जैसे भाई ने कहा है वीडियो में कि अगर ऐसा कुछ रहा तो वो दर्शन मतलब ऑनलाइन होंगे इस बार भी। ऑनलाइन कॉन्टेक्ट दिया गया। हाँ जी जी जी। हाँ तो प्रभु जी, जैसे 22 तारीख तक केस तो कम हो जाएंगे जून में। मैं तो कह रहा हूँ प्रभु जी, हम तो उम्मीद लगा कर रहे हैं कि मई में ही सब कुछ ठीक हो जाए और चाह रहे हैं कि यात्रा हो जाएगी, पिछली बार दर्शन नहीं कर पाए। अच्छा प्रभु जी, मैंने एक वीडियो और देखी थी, बोलने लगी कि उसमें अनंतनाग में लॉकडाउन खोल दिया गया है। हाँ, वहाँ पे भी ऐसा हो रहा है। मेरी श्रीनगर में बात हुई थी ना, पहलगाँव में भी भैया से, मेरा जाने का प्लान था, वहाँ पे कुछ काम था, तो भैया कह रहे आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। जी जी। और वहाँ पे केसेस भी बहुत कम है श्रीनगर में। तो जी जी जी, श्रीनगर में जैसे अगर यात्रा, अगर मान लो पोस्टपोन होती है यात्रा जी, जैसे तो मैं अगर श्रीनगर घूमना चाहूँ तो मैं घूम सकता हूँ। बिल्कुल, क्यों नहीं। तो देखिए, सबसे अच्छी बात क्या है ना, अभी सबसे अच्छी बात एक ही है कि हम परमात्मा से थोड़ा अपना एक प्रेयर करें, प्रार्थना करें कि प्रभु केस कम हो। शेयर कर रहा हूं, मैं हाँ हाँ, हम सभी ये कर रहे हैं, जितने भक्तों के फोन आ रहे हैं मैं सबको ये बोल रहा हूँ, जैसे ही केस कम होंगे ना तो बाबा बर्फानी जी की यात्रा भी होगी और सारे काम होंगे, है ना जी। यही बात है मेन। पिछली बार गया था प्रभु जी, तो वहाँ से मुझे 22 तारीख को यात्रा कैंसिल कर दी थी। मुझे मालूम है आप आधे रास्ते से वापस आ गए, फोन वापस आ गया था सर। हाँ जी। तो जैसे अगर यात्रा नहीं होती है प्रभु की कृपा से मान लो, तो हम श्रीनगर तो घूमने जा सकते हैं ना। वो भी देखो, कंडीशन सबसे बड़ी इस टाइम ना यात्रा से किसी को दिक्कत है, ना कोई ये चाह रहा है कि यात्रा ना हो। इस टाइम जो दिक्कत है वो है कोविड की। तो आप ये मान के चलिए, कोविड के केस जैसे पिछली बार मैं गया था, अभी मैं 15-20 दिन पहलगाँव ही था, तो कोरोना उस टाइम पे भी था, लेकिन कोरोना इतनी पीक पे नहीं था, मतलब बहुत कम केस आ रहे थे। तो मैं भी घूमने चला गया, मुझे बहुत ज्यादा केस आ गए हैं सर। हाँ, तो मेरा सिर्फ एयरपोर्ट पे टेस्ट हुआ है कोविड का, उसके बाद मैंने वहाँ पे मास्क वास्क कुछ यूज नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे जो लोग आ रहे टूरिस्ट वो भी नहीं कर रहे थे, सब खा पी रहे थे, कम थे। अचानक से अभी जो बड़े है ना कि जनवरी के बाद जी जी, वो एक समस्या का कारण है। केस कम हो रहा था ना, थोड़े बहुत केस तो देखो रहेंगे, धीरे धीरे कम हो पाएगा, जीरो होने में टाइम लगेगा ना। तो जैसे थोड़े बहुत केस आते हैं फिर हर चीज खुल जाती है, तो जैसे खुलेंगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा और बता दूंगा, ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे मेरा रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, 5 लोगों को रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। हाँ जी जी। तो जिनके रजिस्ट्रेशन हो गए उनको तो यात्रा मिलेगी अभी रजिस्ट्रेशन के बारे में कुछ नहीं कह सकते। देखो जी जी, सुना मैंने भी ऐसा, मेरे पास निकल भैया का फोन आया था, उन्होंने बताया था सुनने में ये आ रहा है कि जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन देखी हुई है, आपने बोला है कि अभी मैं बस वगैरह भी बुक नहीं कर रहा हूँ, पैसे फट जाएंगे। हाँ, तो ये है कि रजिस्ट्रेशन उन्होंने मेरे को भैया ये कहते कि ये ना कुछ अभी शाइन बोर्ड ने कुछ नहीं कहा है, ये हम लोग अपना अपना आइडिया लगा रहे हैं कि हाँ जिनके रजिस्ट्रेशन हो गए उनको तो यात्रा पे भेजेंगे। लेकिन लास्ट टाइम भी देखिए, लास्ट टाइम भी ना काफी लोग यात्रा करके भी आए थे, काफी लोग नहीं जा पाए थे, लेकिन वो क्या था अनऑफिशियली होता है, जैसे अभी भी कुछ वीडियो ऐसी आई थी तो चले आते लोग, लेकिन वही इस टाइम तो मैं ये कहूँगा इतना ज्यादा कोरोना फैल रहा है तो थोड़ा घर में ही रहें और आराम करें, है ना जी जी जी। वो उस टाइम पे क्या होता है एक्चुअल में वो उस टाइम देखेंगे। यात्रा से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब के वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भोले बाबा जी के आशीर्वाद से हमारी ये कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द और सही जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।